प्रदीप यादव और आप दोनों जो है मिले हैं, और अब एक कोशिश है कि दीपिका पांडे सिंह को लेकर के जिस तरीके की नाराज़गी है उसको एक आवाज़ दें, और निर्दलीय भी आप दोनों में से कोई चुनाव लड़ सकते हैं। क्यों इतना हंगामा हो रहा है पूरे राज्य में? तो कैसे, और जब दूसरे राज्यों में हंगामा हो रहा है तो वहाँ अमेंडमेंट हो रहा है, अभी यहाँ देखिए कहाँ कहाँ अमेंड करना चाहिए। अकलियतों को कैसे मनावेंगे इसकी चिंता हो रही है। पार्टी के में जो गड़बड़ी हो रही है या गड़बड़ है, पार्टी में रह कर के मैं लड़ूंगा, पार्टी में पार्टी के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा। तो ये सुधार कैसे होगा? क्या पार्टी को नुकसान पहुंचा करके, या फिर जब कांग्रेस पार्टी हर राज्य में सुधार रहे हैं, बहुत जगह संशोधन कर रहे हैं, अभी राजस्थान में भी किया आपने, बहुत जगह किया, करिए, देखिए इसको ठीक से रिव्यू करिए, क्या सही हुआ है क्या गलत हुआ है, क्यों इतना रिएक्शन है लोगों में, झारखंड के पूरे झारखंड में हर जिले में क्यों इतना रिएक्शन है, उसको देखिए आप रिव्यू करिए। अगर दीपिका आपके पास जाती हैं आशीर्वाद मांगने तो क्या आप आशीर्वाद देंगे? हमारे आशीर्वाद से तो MLA बनी है, तो आशीर्वाद हम क्यों नहीं देंगे? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या प्रदेश नेतृत्व जिम्मेदार है या फिर शीर्ष नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी का? देखिए जिम्मेवारी तो प्रदेश के अध्यक्ष का है, जिम्मेवारी एक, और जो यहाँ के प्रभारी हैं ये लोग जिम्मेवार हैं। सात में से छः सीटों पर अपने उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कई जगहों पर विरोध कर रहे हैं। खास करके गोड्डा से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है वो कांग्रेस के लिए सुखद नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, अलग राज्य झारखंड गठन के बाद एकमात्र अल्पसंख्यक समाज से सांसद बने फुरकान अंसारी साहब हमारे साथ हैं। फुरकान जी, जिस तरीके से लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस को जो 7 सीटें मिली है इंडिया अलायंस के तहत झारखंड में, उसमें से कहीं भी जो है एक कोई ना कोई एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार हो सकता है, और इसके लिए बकायदा संख्या भी है झारखंड में। हाँ, बनना चाहिए, 2019 में भी नहीं मिला, इस बार भी नहीं मिला, बनना चाहिए। लेकिन अब आलाकमान का जो निर्णय हो गया है तो उसमें हम अब कमेंट नहीं कर सकते हैं कुछ, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मैं आलाकमान से कहूँगा कि आप इसको फिर से रिवाइज करिए, अगर रिवाइज करते हैं तो करिए, और नहीं तो अल्पसंख्यक की जो मांग है, अल्पसंख्यक से हम लोग जाएंगे वोट मांगने के लिए, क्या जाएंगे, क्या कहेंगे उन लोगों को? वो लोग तो रिएक्ट करेगा, लेकिन हम लोग जाएंगे, मनावेंगे लोगों को पार्टी के लिए। तो ये जो रिवाइज, जो पुनर्विचार की मांग आप कर रहे हैं, वो सिर्फ गोड्डा सीट को लेकर के है या फिर बाकी के जो कैंडिडेट्स थे? सब जगह देखिए, अभी तक रांची का फैसला नहीं हुआ है जी, धनबाद का भी सुनते हैं गड़बड़ है, चतरा भी गड़बड़ है, जहाँ जहाँ भी गड़बड़ है फिर से आलाकमान को मैंने उसको देखना चाहिए गंभीरता से, क्योंकि सीट निकालने की बात हो रही है। और जहाँ तक अकलियत की बात है, अकलियत को एक सीट मिलना चाहिए झारखंड में, 14 सीट में एक सीट जाना चाहिए अकलियत को, नहीं गया, इसके लिए तकलीफ़ अकलियतों को है, मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है क्योंकि मैं बहुत दिन MLA MP रह चुका हूँ जी, इसलिए हमको इसके लिए तकलीफ़ नहीं है। अब अकलियतों को कैसे मनावेंगे इसकी चिंता हो रही है। अकलियतों को मनाने की जो जिम्मेवारी है वो तो फुरकान साहब पे है, सबसे वरिष्ठ नेता हैं आप झारखंड, करना ही पड़ेगा हमें, पार्टी का जो फैसला है, पार्टी के में जो गड़बड़ी हो रही है या गड़बड़ है, पार्टी में रह कर के मैं लड़ूंगा, पार्टी में पार्टी के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा, लड़ाई मेरी पार्टी में जहां गड़बड़ी है वहां सुधारने का काम करूंगा, सुधारूंगा, सुधरवाऊंगा, लेकिन मैं पार्टी के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा। ये जो सुधार आप करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप मांग कर रहे हैं कि पुनर्विचार हो, हाँ। दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हैं कि रहूंगा तो कांग्रेस पार्टी में ही और लड़ूंगा सुधारने के लिए। सुधारना जो है पार्टी के खिलाफ नहीं है। तो ये सुधार कैसे होगा? क्या पार्टी को नुकसान पहुंचा करके, या फिर जब कांग्रेस पार्टी हर राज्य में सुधार रहे हैं, बहुत जगह संशोधन कर रहे हैं, अभी राजस्थान में भी किया आपने, बहुत जगह किया, करिए, देखिए इसको ठीक से रिव्यू करिए, क्या सही हुआ है क्या गलत हुआ है, क्यों इतना रिएक्शन है लोगों में, झारखंड के पूरे झारखंड में हर जिले में क्यों इतना रिएक्शन है, उसको देखिए आप रिव्यू करिए, यही हम चाहेंगे आलाकमान से। तो ये आलाकमान का काम है देखना, जो प्रभारी हैं यहाँ के, जो सदर अध्यक्ष हैं, उनको जिम्मेवारी है कि देखिए क्यों इतना रिएक्शन है। सर आप क्या डिमांड है लोगों का? आप सर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कई जगहों के जो उम्मीदवार हैं उस पर, आप बोल रहे हैं कि पुनर्विचार हो, ना केवल गोड्डा पे, तो इसके लिए जिम्मेवार जहाँ जहाँ से आवाज़ें उठ रही है वो बात मैं कह रहा हूँ, मैं पार्टी के हित में बोल रहा हूँ।
आवाजें तो सर गोड्डा से ही ज्यादातर निकल कर, गोड्डा से भी आ रही, चतरा से भी आ रही है, धनबाद से भी आ रही है, रांची से भी आ रही है, जमशेदपुर से भी आवाज आ रही है। क्यों क्यों विलम्ब हो रही है? फुरकान अंसारी क्या मानते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या प्रदेश नेतृत्व जिम्मेदार है या फिर शीर्ष नेतृत्व जो कांग्रेस पार्टी का? देखिए, जिम्मेवारी तो प्रदेश के अध्यक्ष का है, जिम्मेवारी एक, और जो यहाँ के प्रभारी हैं ये लोग जिम्मेवार हैं। इन लोगों को देखना चाहिए क्यों इतना हंगामा हो रहा है पूरे राज्य में। तो कैसे, और जब दूसरे राज्यों में हंगामा हो रहा है तो वहाँ अमेंडमेंट हो रहा है। अभी यहाँ देखिए कहाँ कहाँ अमेंड करना चाहिए। लेकिन जो भी 6-7 सीटें आपने दी है उसमें 2-4 छोड़ करके सब जगह से आवाज उठ रही है। तो सर आपको क्या लगता है कैसे टिकट बांटा गया, क्या क्राइटेरिया रहा जो इस तरीके का विरोध झेलना? क्या क्राइटेरिया, क्राइटेरिया बारे में हम नहीं कुछ कर सकते हैं, ये अलग का मत समझे। लेकिन क्राइटेरिया जो भी रहा हो हम तो उतना नहीं जान सकते हैं, कह सकते हैं आपको। लेकिन आवाज़ उठ रही है हर तरफ से पूरे राज्य में, इसको आला कमान को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और जो प्रभारी हैं उनको समझना चाहिए, देखना चाहिए, और जो अध्यक्ष हैं उनको देखना चाहिए। एक चीज़ ये भी बोला जा रहा है कि चूंकि फुरकान साहब खुद इच्छुक थे चुनाव लड़ने को लेकर के, इनको टिकट नहीं मिला इसलिए जो है अपने समर्थकों से ये विरोध करवा रहे हैं। जी नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला था, मैंने कभी भी अपने बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ यही कहा कि 14 सीट में एक सीट अकलियत को मिलना चाहिए। जी, अपने बारे में हम क्यों कहेंगे भाई? हम MLA MP 30-40 साल रहे तो हमको कौन चीज़ का परवाह है? हम नहीं हैं और हमारे नहीं हैं लोग क्या झारखंड में? किसी भी अकलियत को दीजिए, हम क्यों कहेंगे कि हम ही को आप दीजिए? हम भी एक उम्मीदवार बनने की इच्छा रखे थे, मिलता तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, मुझे उसके लिए तकलीफ नहीं है। तो जो विरोध कर रहे हैं लोग सर, उनको क्या बोलेंगे तब, जबकि आप चाहते हैं कि पार्टी का भला हो? अब उनको समझाएंगे, समझेगा कि नहीं समझेगा वो समझे, मैं कोशिश करूंगा। आला कमान को देखना चाहिए सब बात को। एक चीज़ ये कही जा रही है कि प्रदीप यादव और आप दोनों जो है मिले हैं, और अब ये कोशिश है कि दीपिका पांडे सिंह को लेकर के जिस तरीके की नाराज़गी है उसको एक आवाज़ दें, और निर्दलीय भी आप दोनों में से कोई चुनाव लड़ सकते हैं। ये बात हमारी प्रदीप से बात नहीं हुई है सर की बात, किसी तरीके की कोई बात हुई? मिले हैं, हम कहा कि आप भी अपनी बात रखिए आला कमान को, आप भी अपनी बात को रखिए आला कमान को, अगर आपको तकलीफ है तो। ये मैंने कहा उनको, मुझे तकलीफ है, मैंने कह दिया कि आप रिव्यू करिए, रिव्यू करते तो अच्छी बात है, और नहीं तो अपने वोटरों को मनाइए, आप वोटर नाराज है आपसे। अच्छा, गोड्डा में जो कांग्रेस का हाल है सर, आप तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आप गोड्डा से सांसद भी रहे, स्थिति ये है कि अगर आपको भी टिकट मिल जाती तब जो दूसरे लोग हैं वो विरोध करते, प्रदीप यादव को मिल जाता तो फिर एक तबका विरोध करने लगता? कोई विरोध नहीं करता हमारे मिलने पर, कोई विरोध नहीं करता, प्रदीप को मिलता तो कोई विरोध नहीं करता। तो ये जो आप रिवाइज की जो मांग कर रहे हैं, क्या आप में और प्रदीप यादव जी में एक सहमति बन गई है कि आप दोनों में से किसी एक को अगर पार्टी पुनर्विचार अगर करती है और आप दोनों में से कोई एक नाम तय होता है तो विरोध नहीं जाएगी? सहमति हो नहीं जाएगी। लोगों का कहना यही है कि जिसकी, राहुल गांधी जब बोलते हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो आबादी जिनकी है उनको भागीदारी मिलनी चाहिए, यही आवाज़ है। और सहमति की बात यहाँ नहीं है, विचार की बात है। जो स्लोगन दिया है राहुल गांधी ने उसी बात को लेकर लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी बोले हैं, गोड्डा में भी बोले हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो आबादी तो वहाँ बैकवर्ड की है, आबादी तो यहाँ अकलियतों की है, आबादी तो आदिवासियों की है, आबादी तो वहाँ दलितों की है, आबादी तो वहाँ यादवों की है। तो जिसकी आबादी है उसकी भागीदारी होनी चाहिए। तो दीपिका पांडे सिंह को लेकर के भी तो बोला जाता है कि OBC हैं, उनके हस्बैंड OBC समाज। अरे शादी, वो हरिजन से शादी कर लेगा तो हरिजन बन जाएगी क्या? ऐसा बात कर रहे हैं साहब। अच्छा, एक सवाल ये है सर कि अगर दीपिका आपके पास जाती हैं आशीर्वाद मांगने तो क्या आप आशीर्वाद देंगे? हमारे आशीर्वाद से तो MLA बनी है, तो आशीर्वाद हम क्यों नहीं देंगे? हमारे बेटी की तरह है वो। मतलब दीपिका पांडे से कोई नाराजगी नहीं है शीर्ष नेतृत्व से? हमको नेतृत्व से नाराजगी है, हमको उम्मीदवार से नाराजगी नहीं है। तो फुरकान साहब को आप सुन रहे थे, काफ़ी बेवाकी के अंदाज में जो है अपना पक्ष रखते रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं कि दीपिका पांडे से कोई नाराज़गी नहीं है, नाराज़गी शीर्ष नेतृत्व से है। वजह है कि हिस्सेदारी
आबादी के हिसाब से जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। और जहां तक बात प्रदीप यादव से मुलाकात की को लेकर के है तो वो भी यह एक्सेप्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी बातचीत हुई है और अगर पार्टी पुनर्विचार करती है तो इन दोनों में से यानी कि प्रदीप यादव और फुरकान अंसारी में से किसी एक को मौका मिलता है तो कोई विरोध नहीं होगा। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन पीडीएफ। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18th अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in